कल हम लोगों ने पत्र किया था, पत्र का फॉर्मेट हम लोगों ने डिस्कस किया था, और मैंने आपसे कहा था कि आप अपनी मर्जी से कोई भी दो पत्र अपनी रफ कॉपी में लिखेंगे। रेज योर हैंड्स, किस किसने लिखे हैं? पब्लिक कॉपी है जिसमें लिखे हैं? फाइन, कोई बात नहीं। रेज योर हैंड्स फास्ट, जिसने लिखे हैं? एक भी हाथ नहीं खड़ा, मतलब लिखा ही नहीं किसी ने, कोई पत्र नहीं लिखा किसी ने, तो मतलब अब मुझे कस के डांट लगानी चाहिए तुम लोगों को। नो वन हैज रिटन, आपको लगा कि फॉर ग्रांटेड ले लें हम पत्र लेखन को? इज दिस सो? इसका मतलब मुझे आपको टॉपिक देना पड़ेगा और आप लोग ऑन द स्पॉट बोलेंगे उस पे। यस जयंत, अनम्यूट कीजिए खुद को। यस मैम। आप मुझे पत्र बताएंगे कि आप क्या लिखेंगे? रक्षाबंधन के अवसर पर बहन की ओर से भाई को पत्र क्या लिखा जाएगा? रक्षाबंधन के अवसर पर बहन की ओर से भाई को पत्र क्या लिखेंगे? मनीषा, यस मैम। बताइए क्या लिखेंगे इस पत्र में? मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। रक्षाबंधन के अवसर पर बहन की ओर से भाई को पत्र लिखे। हम सब यहाँ लैंडलाइन क्वेश्चन। वॉइस नॉट ऑडिबल। वेट जयंत वेट। हाँ जी मनीषा बोलिए। हम सब यहाँ कुशल हैं, आशा है कि तुम भी वहाँ ठीक होगे। जैसे कि तुम्हें पता है कि रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, इसलिए हर साल की तरह मैंने इस साल भी तुम्हें राखी भेजी है। आगे क्या करना है उस राखी को? प्रॉब्लम क्या लिखेंगे हम इसमें? क्या डिस्कस किया था हमने? इसमें हम लोग लिख सकते हैं रक्षाबंधन में बहन की ओर से भाई को पत्र। आप लोग इसमें ऐसा करके लिख सकते हैं कि आपका बड़ा भाई है जो भी देश में है और आप उसको राखी भेजना चाहती हैं। आप उसमें लिख सकते हैं कि आप पिछले 5 साल से विदेश में हैं और मैं आपको राखी भेजती हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण मैं आपको राखी नहीं भेज पाई क्योंकि किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और इस बार मैं जल्दी ही आपको, समय से पहले ही आपको राखी भेज रही हूँ ताकि समय रहते आप तक राखी पहुंच जाए और आप रक्षाबंधन के दिन अपनी कलाई पर अपनी बहन की ओर से भेजी गई इस राखी को प्रेम पूर्वक बांध सके और मेरी भावनाओं को महसूस कर सके। माता पिता यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। अब जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि लास्ट में लिखो घर में सबको यथा योग्य कहना, लेकिन यहाँ पर अब भाई विदेश में है तो आप यथा योग्य तो कह ही नहीं सकते किसी को भी, तो आप इसको कहेंगे
कि आप अपना ध्यान रखिएगा और आशा है कि जल्दी ही हम मिलेंगे। लास्ट में पत्र लिखने वाली आपकी बहन डैश नाम डैश पता। बेटा मैं बता देती हूँ, मैं पढ़ा देती हूँ, लेकिन जब तक आप लोग अपने एफर्ट्स नहीं करते हैं तब तक उस चीज का कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आप नहीं लिखेंगे, आप अपने थॉट्स नहीं लेके आएंगे, तब तक उसका कोई लाभ नहीं है। सो प्लीज स्टार्ट स्टडी, एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, एवरीबडी हैज टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स। रिविजन कर करके, एक दिन पढ़ के रिविजन करके फॉर्मेट डिस्कस करके हम छोड़ देंगे, उसका कोई फायदा नहीं होगा। ओके, और आज आपका प्रिया का टेस्ट है, हाँ जी बेटा। बी सेक्शन वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे, आपका भी टेस्ट है आज प्रिया का। यस तोरण्या, क्या होती है क्रिया? यस मैम, मैम क्रिया होती है किसी कार्य को करना। ओके, जैसे? जैसे कि राम खेलता है। ओके, तो इसमें क्रिया कौन सी है? मैम इसमें खेलता है अकर्मक क्रिया। ओके, क्रिया होती है किसी काम का करना या होना, किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। अब यहाँ पर मैंने दो शब्द लिखे हैं, एक लिखा है करना और एक लिखा है होना। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। काम मतलब एक्शन, मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक्शन, सुनना, खेलना, खाना, पीना, रोना, आना जाना, ये सब क्रियाएं हैं। ओके, किसी भी काम के करने को क्रिया कहते हैं। दूसरा शब्द मैंने लिखा होना। होना का मतलब ये है जब नेचुरली कोई काम होता है, जैसे फूल खिलते हैं, फूलों को हम पकड़ के नहीं खिलाते, फूल अपने आप खिलते हैं, नेचुरल तरीके से फूलों के खिलने का काम होता है। ओके, जैसे सूर्य उगता है, सूर्य उग आया है, अब ये भी नेचुरल काम है, एक्शन है उगने का, लेकिन नेचुरली हो रहा है, प्राकृतिक रूप से हो रहा है, इसलिए काम का होना। रात हो गई है, वो भी नेचुरल है, ठीक है। जो काम अपने आप होते हैं, नेचुरल तरीके से होते हैं, या जिन्हें हम करते हैं, लिविंग बीइंग्स, ठीक। तो किसी भी एक्शन का करना, किसी भी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। हाँ हाँ, मैंने बीज बो दिए हैं, मैंने बीज बो दिए हैं। अब जब आप बीजों को बोते हैं, बोना उनको, वो क्या है? एक्शन है, काम है, ठीक है। मैंने बो दिए हैं, इन दोनों में फर्क कौन बताएगा मुझे? कौन बताएगा मुझे फर्क? ऑनलाइन? ओके, यस अंशिका। मैम मैंने बीज बो दिए हैं, इसमें कोई कर्म नहीं है। कर्म? व्हाट इज कर्म? कर्म तो मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। कर्म 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 पढ़ाया, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस में फर्क ये है कि इसमें कर्म नहीं है, इसमें कर्म है। अब मुझे कर्म कौन समझाएगा कि क्या होता है? हमने पहले क्रिया पढ़ी, किसी काम का करना या होना क्रिया है, कर्म क्या होता है? हाँ जी बेटे, हाँ, काम करने का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं।
ओके, जैसे मैंने वो दिए हैं, यहाँ पर एक कर्ता है और एक क्रिया है। कर्ता क्या होता है? नया शब्द एक आ गया, कर्ता। कर्ता क्या है? किसे कहते हैं कर्ता? यस लविश मैम, जो काम कर रहा हो वो काम कर रहा हो। लविश मुझे लाइव एग्जांपल दोगे? मैम यस मैम, जैसे माँ ने बच्चों के लिए खीर बनाई। ओके, तो इसमें कर्ता कौन है? मैम इसमें कर्ता माँ है। हाँ, वेरी गुड। अगर मैं कहूँ कि लविश बोल रहा है तो बोलने का काम कौन कर रहा है? लविश। लविश क्या हो गया? कर्ता। ओके, तो यहाँ पर हमने तीन चीजें देखी, क्रिया, कर्म और कर्ता। जो काम किया जा रहा है वो हो गई क्रिया, जो व्यक्ति काम कर रहा है वो हो गया कर्ता, और जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है उसको कहते हैं कर्म। हाँ जी अकुल मैम, नो वो कर्ता ही बताने के लिए। ओके फाइन। धातु आपको समझाने के लिए, धातु जो है बेटा, धातु का ये साइन होता है संस्कृत में। ओके, जैसे धातु खा है, धातु में होती है संस्कृत में, उनसे हिंदी में क्रिया शब्द बने, खा से खाना। ठीक है, संस्कृत में धातु होती है पीना, हिंदी में बन गया पीना। ठीक है, हिंदी में धातु कौन सी होती है? खा, पी, उठ, बैठ। ठीक है, ये है खा, पी, उठ, बैठ, ये क्रियाएं हैं, सॉरी धातुएं हैं, इनसे क्रिया शब्द बन जाते हैं, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना। ओके ठीक है, तो हमारे पास तीन चीजें हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। जो व्यक्ति काम करता है वो होगा कर्ता, जो काम किया जा रहा है वो होगी क्रिया, और जिस पर काम करने का प्रभाव पड़ रहा है वो हो गया कर्म। जैसे हमारे पास ये सेंटेंस है, मैंने बीज बो दिए हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या हो गया? कर्ता जो काम कर रहा है। ओके, बोना क्या हो गया? क्रिया। और बोने का काम किस पर हो रहा है? बीज पर, तो बीज हो गया कर्म। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर बेटा? किसी को यहां तक कोई डाउट है तो पूछ लो। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके गुड। चलिए, इसके बाद है क्रिया के भेद। कौन बताएगा मुझे क्रिया के भेद कौन कौन से हैं? Raise your hands. Okay. Yes, Kashish. मैम कर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, और मैम फिर उसके आगे हमारे पास उसकी टाइप्स आती हैं, द्विकर्मक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा ध्यान से, मैंने पिछली बार भी बताया था, हर बार बताती हूँ। अ का मतलब होता है बिना, स का मतलब होता है साथ, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें कर्म नहीं है, कर्म के बिना है, वो हो गया अकर्म, और जिनमें कर्म होता है वो हो गया सकर्म। क्लियर? इतना क्लियर हुआ सबको? ओके सानवी, सानवी आप मुझे अकर्मक की एग्जांपल देंगी। यस मैम, अकर्मक में जैसे मैंने खाना खाया, नहीं मैम जैसे मैंने खाया, या फिर मैम जैसे हम खेल रहे हैं। ओके, मैंने खाया,
समीक्षा आप मुझे बताओगे सकर्मक की एग्जांपल। समीक्षा आर यू देयर? नो मैम, सकर्मक थी। सकर्मक, यस। राम फुटबॉल से खेल रहा है। ओके और माँ ने खाने में खीर बनाई। ओके राम फुटबॉल खेल रहा है। आप यहाँ पर से नहीं लगाओगे फुटबॉल से, आप लिखोगे राम फुटबॉल खेल रहा है। मैंने ऐसा क्यों कहा कोई मुझे बताएगा? कोई मुझे बताएगा मैंने ऐसा क्यों कहा? ओके यस वेदांती। क्योंकि मैम अगर हम से लगा देंगे फिर हमारा जो उत्तर हमें हमारा प्रश्न हो जाएगा कि राम किससे खेल रहा है, राम क्या खेल रहा है, वो नहीं रहेगा। ओके गुड वेदांती। मैंने आप क्या और किसको, जब भी आपको कोई सेंटेंस दिया है आपको पूछा है कि क्रिया का भेद बताइए, ठीक है। मान लो यही सेंटेंस है राम फुटबॉल खेल रहा है, क्रिया का भेद बताइए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी क्रिया है? आप ये दो शब्द ध्यान में रखोगे, एक क्या और एक किस। अब क्वेश्चन बना के देखोगे राम क्या खेल रहा है, हमें आंसर मिला राम फुटबॉल खेल रहा है, दिया हमें आंसर मिला राम क्या खेल रहा है, राम फुटबॉल खेल रहा है, हमें आंसर मिल गया क्या का, ठीक है। इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। ओके हमने खाना खाया, हमने क्या खाया, हमने खाना खाया, हमें क्या का उत्तर मिल गया, इसका मतलब ये सकर्मक क्रिया है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है। अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, आंसर मिला नहीं मिला? अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहा है, अध्यापक किसको पढ़ा रहा है, उत्तर मिला, इसका मतलब सकर्मक क्रिया। इन दोनों में से किसी एक का भी उत्तर हमें मिल जाए तो सकर्मक क्रिया। अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, उत्तर नहीं मिला, अध्यापक किसको पढ़ा रहा है, उत्तर मिल गया आपको सकर्मक क्रिया। क्लियर? दोनों में से एक का भी उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, दोनों में से एक का भी उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया। मैंने खाया, मैंने क्या खाया, आंसर नहीं मिला, मैंने किसको खाया, आंसर नहीं मिला, तो अकर्मक क्रिया। हम खेल रहे हैं, हम क्या खेल रहे हैं, आंसर नहीं मिला, हम किसको खेल रहे हैं, आंसर नहीं मिला, तो अकर्मक क्रिया। क्लियर? दो वर्ड्स है क्या और किसको, अगर इसका आंसर नहीं मिले तो अकर्मक, दोनों में से एक का भी आंसर मिल जाए तो सकर्मक। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। माँ बच्चे को खीर खिलाती है। माँ बच्चे को
खीर खिलाती है। ओके अब हमें यही क्वेश्चन लगा के देखने हैं, माँ बच्चे को क्या खिलाती है? खीर। क्या का आंसर मिल गया? माँ किसको खिलाती है? बच्चे को खिलाती है, उसका भी आंसर मिल गया। ठीक है हमें दोनों का आंसर मिल गया, क्या का भी मिल गया, किसको का भी मिल गया। ठीक है जब दोनों का आंसर मिल जाए वहां है द्विकर्मक क्रिया। क्लियर? आपने ये दो वर्ड्स ध्यान में रखने हैं, क्या और किसको। अगर आपको दोनों में से किसी का भी आंसर नहीं मिलता तो अकर्मक, दोनों में से एक का मिल जाता है तो सकर्मक, दोनों का मिल जाता है तो द्विकर्मक। अंजनि इट इज क्लियर? ओके फाइन गुड। किसी को यहां तक कोई डाउट? नो? ओके चलो एक और सेंटेंस लिख रही हूं। पिताजी बाजार गए हैं। रेज योर हैंड और मुझे बताओ ये क्रिया का कौन सा भेद है। पिताजी बाजार गए हैं, क्रिया का कौन सा भेद है ये? यस प्रीशा। अकर्मक क्रिया। ओके प्रीशा। अकुल आर यू एग्री कि ये अकर्मक है? मैम यस। क्यों? मैम किसी का भी आंसर नहीं आ रहा, पिताजी क्या गए हैं, पिताजी किसको गए हैं। वेरी गुड। पिताजी क्या गए हैं, पिताजी किसको गए हैं, कोई आंसर नहीं मिल रहा जबकि हमें कहां का आंसर मिल रहा है। ओके यस दिया। यस मैम। आपने हैंड रेज किया है? मैम वो आंसर देने के लिए किया था। आर यू एग्री दिया कि ये अकर्मक क्रिया है? मैम मेरे हिसाब से सकर्मक है। मैम क्वेश्चन आ रहा है कि पिताजी कहाँ गए हैं। हमने क्वेश्चन कौन सा बना लिया? हमने क्वेश्चन कौन से बना लिया बेटे? मैम क्या और किसको? तो हमारा तो क्वेश्चन था कहाँ, क्या और किसको का आंसर नहीं मिला, हमें तो कहाँ का आंसर मिल रहा है। हमने सिर्फ क्या और किसको देखना है, अगर क्या और किसको के अलावा हमें कुछ और मिलता है तो वो अकर्मक क्रिया है। ओके इज इट क्लियर दिया? यस मैम। अगर हमें क्या और किसको के अलावा कोई और आंसर मिलता है तो वो अकर्मक है। राइट जैसे चिड़िया उड़ती है, चिड़िया उड़ती है, क्वेश्चन बना के देखो चिड़िया क्या उड़ती है, चिड़िया किसको उड़ती है, दोनों में से किसी को आंसर नहीं मिल रहा तो ये अकर्मक क्रिया। पंखा चल रहा है, पंखा क्या चल रहा है, पंखा किसको चल रहा है, नो अकर्मक क्रिया। Is it clear everyone? किसी को कोई डाउट, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके यस हरमन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। आपने ये जो सेंटेंस लिखा है चिड़िया उड़ती है, मैम इसमें क्या का आंसर तो आ रहा है? क्या उड़ती है? चिड़िया उड़ती है। ओके आई वॉज वेटिंग फॉर द क्वेश्चन हरमन, वेरी गुड। चिड़िया उड़ती है, ठीक है, क्या उड़ती है का हमें आंसर मिल रहा है तो मैम ये सकर्मक क्रिया होनी चाहिए क्योंकि हमें क्या का आंसर मिल रहा है, लेकिन ये सकर्मक नहीं है क्योंकि हमें एक कर्ता और एक क्रिया के अलावा एक कर्म चाहिए। ओके यस मैम। क्या करता है, क्रिया उड़ती
चिड़िया क्या उड़ती है, उड़ती है, इसके बीच में हमें कर्म चाहिए। हरमन याद है मैंने अभी क्या बोला था, अकर्मक मतलब बिना कर्म के, अकर्मक मतलब yes, ma'am. और कब कर्म कहाँ होगा, कब होगा जब क्या और किसको का आंसर मिलेगा, राम yes, ma'am. ठीक है, जब हमें क्या और किसको का आंसर मिले, वो जो आंसर है वो कर्म है। ओके ओके मैम। चिड़िया क्या उड़ती है, चिड़िया किसको उड़ती है, हमें आंसर नहीं मिल रहा। सेम वे पंखा चलता है, सकर्म क्रिया, नो इट इज रॉन्ग। पंखा क्या चलता है, पंखा किसको चलता है, पंखा तो कर्ता हो गया ना जो काम कर रहा है, चलना क्रिया हो गई। कर्ता और क्रिया के अलावा हमें एक कर्म भी चाहिए, तो वो कर्म इसमें नहीं है, इसलिए ये अकर्मक क्रिया। ओके मैम। अब क्लियर हो गया बेटे? ओके, एनी अदर डाउट एनीबडी, किसी और को कोई और डाउट हो तो पूछ लो। नो ओके, इसके बाद एक और खेल है, हमने किया अकर्मक स्वकर्मक और नेक्स्ट है प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया वहां पर होती है जहां कर्ता खुद काम ना करके किसी से काम करवाए। ठीक है, जैसे माली ने पौधे लगवाए, माली ने पौधे लगवाए, माली ने खुद पौधे ना लगाकर किसी से पौधे लगवाए, किसी से काम करवाया। जब कर्ता खुद काम ना करके किसी से काम करवाता है वहां पर प्रेरणात्मक क्रिया। ओके फाइन, नेक्स्ट, पिताजी ने फल मंगवाए, पिताजी ने फल खुद ना लाकर किसी से मंगवाए। ओके, दादी जी ने स्वेटर बुनवाया, अब उन्होंने स्वेटर खुद ना बुनकर किसी से बुनवाया, तो यहां पर भी प्रेरणार्थक क्रिया। क्लियर, इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, कोई डाउट यहां तक हो तो बेटा पूछ लो। वी आर डन विद द क्रिया, एनी अदर डाउट? किसी एग्जाम्पल में कोई डाउट हो, ग्रामर बुक में देखो कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो। नो ओके,